Hello everyone. So in this video, I'm going to start the new chapter, that is Plant Kingdom, Biology का third chapter. और इस chapter को मैंने 3 parts में divide किया है. First 3 parts will be the description only. तो first part में मैं आपको Plant Kingdom के definitions, Kingdom Plant के होता क्या है वो बताऊंगी और उसके बारे में कुछ informations दूंगी और एल्गी के बारे में पढ़ाऊंगी. इन द सेकेंड एंड थर्ड वन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ब्रायोफाइट्स, साइटोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. किंगडम प्लांटे. द किंगडम प्लांटे कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स व्हिच कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. All members of this family comprises of true nucleus and advanced membrane-bound organelles. They are quite different from animals. The kingdom Plantae contains about 3 lakh different species of plant. Among the 5 kingdoms, kingdom Plantae is very important as they are the source of food for all other living creatures present on planet Earth, which depends on plants to survive. तो किंगडम प्लांट बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि ये मल्टी सेलुलर है. जितना भी प्लांट्स हम लोग अपने आस पास देखते हैं, इट इज नॉट यूनिसेलुलर. ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं. ये ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स है. ऑटोट्रॉफिक मतलब ये प्रिपेयर करते हैं खुद का फूड. और यूकैरियोट्स इट कंटेन्स ट्रू न्यूक्लियस एंड इट ऑल्सो कंडक्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, विच इज द मेन सोर्सेस और टू प्रोड्यूस फूड. सारे मतलब इस फैमिली के सारे मेंबर्स, इनके पास क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. किंगडम प्लांटे के पास बहुत सारे स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है. 3 लाख स्पीशीज है डिफरेंट टाइप ऑफ. और ये एनिमल से डिफरेंट है. एनिमल से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि एक दो तीन बेसिकली डिफरेंस हम बता देते हैं. एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, बट किंगडम प्लांटे में सेल वॉल्स होता है. एनिमल्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, बट किंगडम प्लांटे में, प्लांट्स में क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे कुछ है ऑर्गेन मतलब डिफरेंसेस. ये बेसिक डिफरेंस है, तो ये मैंने इसके बारे में पहले भी बताया आप लोग को. और ये सारे किंगडम्स में से जितना भी 5 किंगडम्स, ये किसने दिया था, आर एच विक्टिकर ने, विक्टिकर ने दिया था. तो इन्होंने सारे किंगडम्स में से सबसे इम्पोर्टेंट किसको बताया, किंगडम प्लांटे को, क्योंकि यही एक बेसिकली मेनली क्या है, सोर्स ऑफ फूड है. सारे ऑर्गेनिजम्स अपने फूड डिपेंडेंट होते हैं. कोई कोई होते हैं ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली हेटरोट्रॉफिक. तो ये कहाँ से फूड कंडक्ट करेंगे, तो इनका मेन बेसिक कहाँ से ये डिपेंड करते हैं, दैट इज प्लांट. तो प्लांट के ऊपर ही अपने फूड के लिए ये क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं. और हमारे सर्वाइवल के लिए तो फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारे चीज रिक्वायर्ड है. तो ये सब हमारे सर्वाइवल के लिए प्लांट्स का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए हम लोग के लिए किंगडम प्लांटे, ये पूरे 5 किंगडम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किंगडम प्लांटे. तो बेसिकली मैंने बताया किंगडम प्लांटे किसको बोलते हैं. अब इस किंगडम प्लांटे को क्लासिफाई किया, 3 टाइप्स में से क्लासिफिकेशन हुई थी इसके, और बहुत सारे बेसिस था इसको डिफरेंशिएट करने का. बट सबसे पहले आया आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर सेकेंड आया नेचुरल सिस्टम, थर्ड आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया. ये सारे सिस्टम कैसे है, आर्टिफिशियल आया, इसके कुछ फायदे, कुछ एडवांटेजेस हमें पता चले, बट साथ साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे. तो इसलिए नेचुरल सिस्टम आया. नेचुरल सिस्टम भी कई जगह एक्सेप्टेबल नहीं था, तो फाइलोजेनेटिक आया. और ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, सारे बॉटानिस्ट, सारे बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्टेड, इट इज नाउ ऑल्सो एक्सेप्टेड टू ईच एंड एवरीवन. तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया. तो फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड वन इज नेचुरल सिस्टम एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक. तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, एरिस्टोटल ने दिया, और इसको फॉलो लीनियस ने किया. आर्टिफिशियल वॉज क्लासिफाइड बाई एरिस्टोटल एंड इट इज फॉलोड बाई लीनियस. नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई बेंथमन हुकर ने इसको दिया था. फाइलोजेनेटिक वॉज गिवन बाय एंगलर प्लांटर. तो इनको किसने दिया, एंगलर प्लांटर ने. नेचुरल
तो मैंने बता दिया फाइलोजेनेटिक भी बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है? द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ओनली ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस लिए हुआ था? कि इसके सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देख करके, इसका स्टेमन, स्टाइल, फिलामेंट्स, पेटल्स, कार्पल्स, ये सब को देख करके ही इनको क्लासिफाई किया गया। मतलब अगर किसी में टू और थ्री स्टेमन्स है, जो भी फ्लावर्स हैं, तो ये सारे एक ग्रुपिंग में जाएंगे, किसी में फाइव है तो एक ग्रुपिंग में जाएंगे, इसलिए क्या था। और इसको किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉन evolutionary features, example the grouping together of plants according to the number and situation of their stamens, style and stigma rather than their evolutionary relationship। और यही इनका drawbacks निकला कि इन्होंने क्या क्या सिर्फ morphological structures को ही advantages दिया और किसी को नहीं दिया, evolutionary relationship को उतना advantages, उतना उसका importance नहीं दिया। तो यही इसका drawback निकल गया, क्योंकि ये क्या है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये इन्वायरमेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो ये जैसे ही आपका वेदर चेंज होगा तो ये क्या होगा, ये सब चीज क्या होगा, वेरिएशन है, चेंजेस होंगे इसमें। मान लो कि अगर किसी फ्लावर्स में फाइव स्टेमेंस है और किसी में थ्री है, तो अगर बाय चांस ड्यू टू विंड और ड्यू टू सम एनी अदर सोर्सेस वो दो टूट गया, तो तीन बचा उसमें भी और पहले वाले में भी तीन था, तो ये क्या हो गया, हम दोनों के एक ही ग्रुपिंग में डाल दिया एरिस्टोटल ने, तो ये सही तो नहीं है। तो ये इन्वायरमेंटल चेंजेस के थ्रू ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक्स निकल गया कि इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को उतना एडवांटेज नहीं दिया, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बेसिकली इन्होंने किसको लिया था, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को वैल्यूएबल दिया। एग्जाम्पल लीनियर सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और लीनियर जिसने सिस्टम था वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, गिवन बाय एरिस्टोटल बट फॉलोड बाय लीनियर। तो लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और इसका ड्रॉबैक्स क्या है कि इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, डेट इज क्रोमोजोम नंबर, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये सबको इम्पोर्टेंस नहीं दे करके सिर्फ और सिर्फ कुछ और कुछ कुछ फीचर्स लिया जो ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है। बेसिकली जो नेकेड आई से हम लोग को दिखता है उसका स्ट्रक्चर, बस उस चीज को उन्होंने वैल्यू दिया, यही इसका ड्रॉबैक्स है। नाउ वी मूव टू नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक्स आया, तो उसको रिप्लेस किया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का से। तो लेट्स सी इसमें क्या है। हियर ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल एफिनिटीज थ्रू द यूज ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशली स्ट्रक्चरल, साइटोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव एंड बायोकेमिकल। तो इसको क्या बोला गया कि ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनको हम लोगों ने कैसे कैरेक्टराइज किया कि इनका जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जैसे क्रोमोसोम नंबर्स क्या है, क्रोमोसोमल बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, बायोकेमिकल क्या बोलते हैं एजेंट्स क्या है, तो ये सब देख करके हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया, इनको ग्रुपिंग किया। तो ये ज्यादा अच्छा था, बेटर देन उनसे, क्योंकि आर्टिफिशियल में क्या था कि उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर लिया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से कुछ भी उन लोग का वो नहीं आया, नहीं था कुछ भी उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। बट नेचुरल सिस्टम में क्या क्या इन्होंने साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स लिया, इसका बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, बायोकेमिकल्स क्या है, सारे चीज को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। द फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाई सिम्बर फॉलोड बाई इक्लो, बट इट वॉज बेसिकली गिवन बाई बेंथम एंड हुकर। तो यहाँ लिखा है द लास्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेनोग्राम वॉज डिवेलप बाई बेंथम एंड हुकर। तो ये किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने, और ये बहुत एक्सेप्टेड था क्योंकि इन्होंने भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को वैल्यूएबल दिया, इन्होंने उसको वेटेज रखा, ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को नहीं लिया, लिया था बट उन्होंने लिया, इन्होंने बेंथम एंड हुकर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट इज
उसकी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, ये सबको भी इन सबको भी उन्होंने वेटेज दिया, इन सबको भी इम्पोर्टेंस दिया, तो इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड हो गया रादर देन आर्टिफिशियल। इसके बाद क्या आता है नेचुरल सिस्टम के बाद, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक चलिए हम लोग पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक क्या होती है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम प्रपोज सब्सिक्वेंट टू द एक्सेप्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ डिसेंस। अ प्राइमेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलोजेनेटिक स्टडीज इन बॉटनी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑरिजिन एंड रिलेशनशिप ऑफ ऑल टैक्सा ऑफ बोथ एक्सटिंक्ट एंड लिविंग प्लांट्स। Phylogeny deals with the evolutionary history of all. It is a function of taxonomic research at all levels of classification. तो इन्होंने phylogenetic क्यों accepted हुआ, क्योंकि इन्होंने सारे taxa को, सारे different levels of taxa का relationship एक दूसरे के साथ देखा, उन लोग को वैसे grouping के evolutionary relationship को ज्यादा weightage दिया rather than morphological structure को, और इनका सारा जो evolutionary history है उनसे भी deal किया, सबके बारे में उन्होंने जाना सही से, और फिर सबका ग्रुपिंग हुआ। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सा था, फाइलोजेनेटिक था। आर्टिफिशियल और नेचुरल से ज्यादा एक्सेप्टेड कौन था, फाइलोजेनेटिक था, और इसको एंगलर एंड प्रांटल ने दिया। तो याद रखेंगे एंगलर एंड प्रांटल ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक पढ़ लिया। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंसेस क्या क्या उसमें डिफरेंसेस थे वो जानते हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल इट इज बेस्ड ऑन ओनली वन ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स। तो नेचुरल सिस्टम क्या था, बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था, बहुत सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। बट आर्टिफिशियल सिस्टम में कुछ कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। द कैरेक्टर्स आर स्टेबल इन नेचुरल सिस्टम। द कैरेक्टर्स आर लायबल टू चेंज विद द चेंज इन एनवायरमेंट। आर्टिफिशियल सिस्टम, तो नेचुरल सिस्टम में क्या था, उन्होंने वो सारे कैरेक्टर्स को लिया जो स्टेबल है, जो एनवायरमेंट चेंजेस से नहीं अफेक्ट होते, एनवायरमेंट के चेंजेस से अफेक्टेड नहीं है। बट आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था, जो चेंज इन एनवायरमेंट सिचुएशन, ये भी चेंज हो जाते हैं, इनके कैरेक्टर्स, इनके फिलामेंट्स, टैनेंस, ये सब नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं। नेचुरल सिस्टम इट अवॉइड्स एनालॉगी। आर्टिफिशियल सिस्टम इट एक्सेप्ट एनालॉगी फॉर ग्रुपिंग। तो नेचुरल सिस्टम में क्या क्या, इनके जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड ना होकर के इनको ग्रुपिंग नहीं किया, बट आर्टिफिशियल सिस्टम में वही किया, इनके सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर जो नेकेड आई से हम लोग देख रहे हैं बस उस पे उन्होंने ग्रुपिंग्स की। नेचुरल सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये किस में डिपेंडेंट है, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, साइटोलॉजी में, एम्ब्रायोलॉजी में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में एंड जेनेटिक्स, इन सब चीजों पे ये डिपेंडेंट है। ये याद रखेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो बेसिक याद रखेंगे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। बट आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या, इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स, अदर ट्रेट्स आर नॉट यूज। तो सिर्फ इन्होंने मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स देखा, बाकी और सारे जैसे साइटोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, ये सब उन्होंने सही से नहीं एक्सेप्टेड ही नहीं किया। इट एक्सप्लेन्स नेचुरल एंड सम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आर नेचुरल सिस्टम। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो नेचुरल सिस्टम में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट किया था, बट आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने कोई एडवांटेज ही नहीं दिया, इसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, इसके बारे में कोई आइडिया ही किसी को नहीं दिया। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम से ज्यादा बेटर क्या था, नेचुरल सिस्टम था। तो अब हम लोग आते हैं, हमने किंगडम प्लांटे पढ़ लिया, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, किंगडम प्लांटे का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था, किसने किसने किया था, किसका क्या ड्रॉबैक्स था, वो भी देख लिया। अब आते हैं इस पार्ट का नेक्स्ट, दैट इज एल्गी में। दे आर एक्वाटिक ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल सेल मेम्ब्रेन्स टू लार्ज मल्टी सेलुलर सीवीड्स। तो ये क्या है, एल्गी क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सिर्फ पानी में ही मिलते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और इनका साइज क्या है, सिंगल सेल से लेकर के ये मल्टी सेलुलर सेल्स तक भी जाते हैं।
प्रीवियसली दे वर रिगार्डेड एज प्लांट्स एंड प्लेस्ड इन थैलोफाइटा, तो बहुत पहले इनको प्लांट्स ही माना जाता था और इनको हम लोगों ने किसके ग्रुपिंग्स में डाला था, थैलोफाइटा में। अरिस्टोटिका प्लेस देम इन टू ग्रुप्स, अरिस्टोटिका ने इन्हें दो ग्रुप्स में डाल दिया था। किंगडम एल्गे के बारे में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी एल्गे फंगी प्लांटे एंड एनिमेलिया पांच था, मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी प्लांटे एनिमेलिया। तो इन्होंने एल्गे को क्या किया था, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गे था उसको किंगडम प्रोटेस्टा में डाल दिया और जो मल्टीसेलुलर एल्गे था उनको इन्होंने किंगडम प्लांटे में डाल दिया। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को अरिस्टोटिका ने क्या किया, यूनिसेलुलर सिंगल सेल यूकैरियोट्स है तो किंगडम प्रोटेस्टा में डाला और मल्टीसेलुलर है तो किंगडम प्लांटे में डाल दिया था। फाइनली ऑल एल्गे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हैव बीन प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटोकिस्टा बाय मार्गुलिस एंड शॉर्ट। फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया कि वेदर इट इज अ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सबको एक किंगडम में डाला, दैट इज किंगडम प्रोटोकिस्टा, और किसने डाला, मार्गुलिस और शॉर्ट ने डाला किंगडम प्रोटोकिस्टा। किसमें डाला, किंगडम प्रोटोकिस्टा में डाल दिया। ये नहीं डिफ्रेंशिएट किया कि वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, इन्होंने किंगडम प्रोटोकिस्टा में डाल दिया। बट अरिस्टोटिका ने दो ग्रुप में डाला था, अगर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है तो प्रोटोकिस्टा में डाल दिया था और अगर मल्टीसेलुलर एल्गे है तो प्लांटे में डाल दिया। जनरल फीचर्स ऑफ एल्गी, अब एल्गी का फीचर्स क्या है, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, याद रखेंगे एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉफिक। एल्गी क्या है, क्लोरोफिल है उसमें और ये सिंपल है, थैलॉइड है, थैलॉइड मतलब वैस्कुलर टिश्यू नहीं है और ये डिफ्रेंशिएट भी नहीं करता, स्टीम लीव्स रूट्स ये सब में डिफ्रेंशिएट नहीं किया है और ये ऑटोट्रॉफिक है। मोस्टली एक्वाटिक, ये कहाँ होता है हम पहले ही बताए, ये वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है और ये किस में, फ्रेश वाटर में भी होता है और मरीन में भी होता है। अदर हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन्स सॉइल्स एंड वुड्स एंड एसोसिएशन विद फंगी एंड एनिमल्स। तो और कहाँ का इसका हैबिटेट है, स्टोन्स मॉइस्ट स्टोन्स, स्टोन्स में होते हैं बट मॉइस्ट होना चाहिए, वाटर कंटेनिंग भी होना चाहिए, सॉइल्स में भी होते हैं, मॉइस्ट सॉइल्स में भी होते हैं, मॉइस्ट वुड में भी होते हैं और एसोसिएशन विद फंगी मतलब फंगी के साथ, अगर फंगी के साथ कोई एल्गी प्रेजेंट है तो उसको लाइकन बोलेंगे। याद रखेंगे फंगी के साथ अगर एल्गी एसोसिएट है, सिंबायंस फॉर्म किया है, एक साथ रहते हैं, मतलब फंगी और एल्गी दोनों का लाइफ या लाइफ साइकिल एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है तो इसको बोलते हैं लाइकन। और यही एल्गी अगर एनिमल्स के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं स्लॉथ बियर। तो एग्जाम्पल है एनिमल्स के साथ एसोसिएशन ऑफ एल्गी स्लॉथ बियर एंड एसोसिएशन विथ फंगी दैट इज लाइकन, ये याद रखेंगे। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव से भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। तो वेजिटेटिव होगा तो फ्रेगमेंटेशन से होगी, असेक्सुअल हुआ जूस्पोर, जूस्पोर के बारे में मैंने आपको पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है। और सेक्सुअल में होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स जहाँ फ्यूज करेंगे तो वो सेक्सुअल ही हो जाएगा रिप्रोडक्शन। द गैमेट्स में भी आइसोगैमस एनाइसोगैमस और ओगैमस, तो गैमेट्स क्या है, आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है क्लाइमेडोनस। आइसोगैमस मतलब गैमेट्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा गैमेट्स का तो वो क्या होगा, आइसोगैमस बोलते हैं उसको। और वो क्या होंगे, एग्जाम्पल कौन है उसका, क्लाइमेडोनस। एंड आइसोगैमस में क्या है, जो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, सेम स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे उसमें। और हाँ, आइसोगैमस का एक और एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, ओके। चारा ओगैमस, सॉरी आइसोगैमस के एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनस है और चारा है, ठीक है। ओगैमस के एग्जाम्पल आपको है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। तो ओगैमस मतलब यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होंगे मगर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स होंगे और मोटाइल क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे। नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स होंगे और मोटाइल क्या होंगे, मेल गैमेट्स होंगे, उसके एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेक्स ऑर्गन्स आर जनरली वन सेल विदाउट एनी स्टेराइल जैकेट। तो सेक्स ऑर्गन जो है वो एक सेल का होता है, सिंगल से यूनिसेलुलर है और उसमें कोई स्टेराइल जैकेट नहीं, कोई कवरिंग नहीं है। तो जो
आपका राइट साइड में तीन स्ट्रक्चर है, ये पहला वाला स्ट्रक्चर वॉल बॉक्स का है, सेकेंड वन इज चारा एंड थर्ड वन इज फ्यूकस। तो बेसिकली एल्गी को तीन पार्ट है एल्गी का, डेट इज रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। तो ये हम लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी का, कि ईजी आप लोग को अंडरस्टैंड हो पाए और ईजिली आप लोग को ये याद हो पाए। तो आप लोग अगर चार्ट से याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। लेट्स स्टार्ट विथ रेड एल्गी। रेड एल्गी अ लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी दैट इंक्लूड्स मेनी सी विथ दैट आर मेनली रेड इन कलर। इसको रेड एल्गी में क्यों दिया गया, क्योंकि इसका कलर मेनली रेड कलर का है, इसलिए इसको रेड एल्गी में दिया गया। और इसमें ये इंक्लूड्स करता है सीवीड्स को, सीवीड्स है जो रेड एल्गी ग्रुप में आएंगे। ब्राउन एल्गी अ लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी दैट हैज टिपिकली ऑलिव ब्राउन और ग्रीनिश इन कलर। तो ये क्या है, ब्राउन एल्गी का कलर क्या है, ऑलिव ब्राउन या ग्रीनिश टाइप का, डार्क ग्रीनिश। ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक एल्गी विच कंटेन क्लोरोफिल एंड स्टोर स्टार्च इन डिस्क्रीट क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन एल्गी को ग्रीन एल्गी क्यों बोला गया, क्यों इस ग्रुपिंग में दिया गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पे, फोटोसिंथेटिक एल्गी है मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है और इसमें क्लोरोफिल कंटेन है। और ये स्टोर करते हैं क्या, स्टार्च भी स्टोर करते हैं किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। तो रेड एल्गी को एक्चुअली में फाइलम में हम लोग बोलते हैं रेडोफाइटा, ठीक है, रोडोफाइटा। ब्राउन एल्गी को फियोफाइटा, ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइटा। और ऐसे रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी बोलते हैं, बट फाइलम क्या है, रोडोफाइटा फॉर रेड एल्गी, फियोफाइटा फॉर ब्राउन एल्गी एंड क्लोरोफाइटा फॉर ग्रीन एल्गी। और लेट्स सी मूव टू द थर्ड पॉइंट, रेड एल्गी का पिगमेंट्स क्या क्या है, क्लोरोफिल ए टी एंड फाइकोबिलिन्स। क्या क्या है, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोबिलिन्स। ब्राउन एल्गी का पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजैंथिन एंड जैंथोफिल्स। याद रखेंगे फ्यूकोजैंथिन एंड जैंथोफिल्स क्या है, ब्राउन एल्गी का। ग्रीन एल्गी का पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जैंथोफिल्स। ये आपको पिगमेंट्स याद ही रखना है जैसे भी। रेड एल्गी का है ए डी और फाइकोबिलिन्स, ब्राउन एल्गी का है ए सी, फ्यूकोजैंथिन एंड जैंथोफिल, और ग्रीन एल्गी का है ए बी एंड जैंथोफिल्स। तो कैसे याद रखेंगे, क्लोरोफिल ए तो सब में है, तीनों में है। अब आया बी सी एंड डी का बात, तो ऐसे याद कर लेंगे कि रेड, रेड का डी है तो वहां हो जाएगा क्लोरोफिल डी। अब आ गया आपका ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में, तो ग्रीन एल्गी को क्लोरोफिल बी दे रहे हैं और ब्राउन को क्लोरोफिल सी दे रहे हैं। तो हम समझ जाएंगे कि ब्राउन है तो वहां पे बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ग्रीन एल्गी में बी चला गया। अब इसका मेन है रेड एल्गी का फाइकोबिलिन्स याद रखेंगे, और ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकस है, ब्राउन एल्गी फ्यूकस होता है, एग्जाम्पल है फ्यूकस, वहां से फ्यूकोजैंथिन याद हो जाएगा। और जैंथोफिल्स तो ग्रीन एल्गी में भी है, ब्राउन एल्गी में भी है, तो ये याद हो जाएगा। हैबिटेट क्या है इन लोग का, रेड एल्गी मेनली मरीन, ब्राउन एल्गी एक्सक्लूसिवली मरीन और ग्रीन एल्गी मेनली लिव इन फ्रेश वाटर। रेड एल्गी मेनली मल्टी सेलुलर, ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, ब्राउन एल्गी एक्सक्लूसिवली मल्टी सेलुलर और ग्रीन एल्गी मेनली यूनिसेलुलर। तो ये क्या है, मेनली ग्रीन एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर है। थाइलोकॉर्ड्स क्या अनस्टैक्ड है, रेड एल्गी का, ब्राउन एल्गी का, थ्री ऑफ देम आर स्टैक्ड, एक साथ है रहते हैं। और ग्रीन एल्गी का थैलोकॉइड स्टैक्स ऑफ 2 to 20 थैलोकॉइड्स, कैसे ग्रुपिंग होता है, एक साथ दो या 20 रहते हैं। इसका मूवमेंट क्या है, रेड एल्गी सेसाइल है, ब्राउन एल्गी भी सेसाइल है और ग्रीन एल्गी मोनली मोटाइल है, मेनली मोटाइल है और ये फ्लैजुला कंटेन करते हैं, इसलिए ये मोनली मोटाइल है, मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं। रेड एल्गी डू नॉट प्रोड्यूस मोटाइल स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ये मूव नहीं करते, तो इनका लाइफ साइकिल में ऐसा स्टेज आता ही नहीं है। ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म्स, हाँ ब्राउन एल्गी में एक मोटाइल स्टेज आता है, क्या है वो, कि स्पर्म्स मूव करते हैं। ग्रीन एल्गी में प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म विथ मल्टीपल फ्लैजेला, इसमें क्या होगा, बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं और सारे स्पर्म्स में मोटाइल ही होते हैं। रिजर्व फ्रॉम क्या है, रिजर्व, ये याद ही रखना है, रिजर्व फॉर्म क्या क्या है इसके फूड का, रेड एल्गी का फ्लोइडेन,
रेड से फ्लोरिडेंस स्टार्च आ गया, ब्राउन एल्गी का लैमेरियन आ गया, और ग्रीन एल्गी का स्टार्च, ग्रीन है तो मतलब क्लोरोफिल स्टार्च ही याद रखते हैं, तो वहां से स्टार्च आ गया, ब्राउन एल्गी है तो लैमिनेरियन, और रेड है तो फ्यूको फ्लोरिडेन, रेड से फ्लोरिडेन आ गया, और ब्राउन का फ्लैमिनेरिया, और ग्रीन है तो स्टार्च। सेल वॉल क्या क्या है ये भी याद रखना जरूरी है, सेलुलोज होते हैं ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज होते हैं, रेड में भी सेलुलोज होते हैं और ग्रीन एल्गी में भी सेलुलोज होते हैं, बट एक्स्ट्रा क्या है इसमें, रेड में पढ़ेंगे फाइकोकोलाइट्स होते हैं और ब्राउन एल्गी में नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइट्स होते हैं और ग्रीन का सिर्फ सेलुलोज होते हैं। तो सेलुलोज सेल वॉल का कॉम्पोनेंट तीनों में है, बट रेड में होगा सल्फेटेड फाइकोकोलाइट्स और ब्राउन में होगा नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइट्स। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अब इसका, रेड एल्गी का एग्जाम्पल है मॉस, कोरैलिन एल्गी और डल्स। ब्राउन एल्गी का याद रखेंगे केल्प, रॉकवीड, फ्यूकस बोलते हैं, रॉकवीड मत याद रखना, फ्यूकस याद रखना, ब्राउन एल्गी का फ्यूकस है तभी वहां पे फ्यूकोजैंथिन हमने पढ़ा था, ब्राउन एल्गी का पिगमेंट्स फ्यूकोजैंथिन, तो यहाँ से फ्यूकस हो गया इसके एग्जांपल। और सरगैसम, ग्रीन एल्गी का है आपका सी ल्यूटस विच इज कॉमनली फाउंड इन टाइडल पूल्स एंड क्वाडियम स्पीशीज, तो ये याद रखेंगे। ओके नाउ आई एम एंडिंग दिस पार्ट, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे अपने डाउट्स बताएं, सो दैट आई कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक यू लाइक दैट। ओके बाय एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू।